हम यहाँ पर जंगल में रास्ता भटक गए और ना यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है। ये 12,000 फीट 6 जून 2019 और ये बर्फ के बीच हम इस वक्त माता लांभी के प्रांगण में देख पा रहे आप स्नो। वाह ये पीछे लांभी माता से कभी हम दूर से इस पहाड़ी को देखा करते थे वो लांभी टेंपल, आज हम वहाँ होके भी आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, माता के दर्शन हुए, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, दोस्तों के साथ ट्रिप मज़ा ही कुछ और है। बहुत ज़्यादा समय हमने रिजर्व व्यतीत किया, फिर सोचा क्यों ना इस लाइफ को थोड़ा इंजॉयफुल बनाया जाए, इसको दिल से जिया जाए। ये कभी ना भूलने वाले लम्हे हैं, जो लम्हे हमें कभी बिताए हैं, शायद कल दिन हम कहाँ होंगे आपसे ना मिल पाए, पर ये यादें जब हमको बनाए रखें और जब हम इन पानी जो हमारे पास इधर ख़त्म क्योंकि अब टमाटर के रस्ते में बात करना पड़ेगा पानी के लिए। जस्ट अमेजिंग। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई टीम मेम्बर्स दैट दे हैव सेफली अराइव्ड आवर होल टीम हियर एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। इट इज़ अ वेरी प्लीजेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वाह, ओ माय गॉड, फोनो भरी बादिया वहां पर, क्रिस्टल मिलते वहां पर। हाँ, अच्छा, यहाँ पर क्रिस्टल केव भी है, क्रिस्टल भी मिलते हैं। वाह, क्या मजा, अद्भुत नजारा है। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, मेरी बाहों में है जानम तेरे जीस मुझा पिघल। तुम क्या कहते दोस्त, हौसले बुलंद है? हौसले तो हमेशा बुलंद रहते हैं। वेरी गुड, बुलंद। यहाँ पर कैंपिंग की सुविधा भी है, यहाँ पर आपको अराउंड 500 नाइट पड़ेगा, टेंट में एक आदमी का रहना और साथ में खाना भी उसमें इंक्लूड है, वन नाइट डिनर प्लस।
मैं सबसे पूछना चाहूँगा, जो अभी हमने पीछे सफ़र किया, या क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में थोड़ा? जो हमने सफ़र किया, हमारी टाइमिंग ज़बरदस्त रही। हम 8 बजे सुबह श्रीवसर लेक से चले, तो लगभग अभी 1 बजने को है दोपहर का। तो थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा परे से थोड़ा सा डेंजर सा लगा हमें, लेकिन फिर भी नहीं, हम खतरों से आगे बढ़ते हुए और इसमें यहाँ पर इस मैदान में पहुँचे। क्योंकि आप जितने आप जीवन में जितना भी कठिनाइयाँ सहन करोगे, तो उन कठिनाइयों के बाद आप महसूस हो रहे हैं, यहाँ पहुँच के सारी कान गायब हो गई है और हम बिल्कुल फ्रेश है आगे चलने के लिए। बिल्कुल अभी हम दोबारा से रिलैक्स फील कर रहे हैं। वाह क्या नज़ारा है, कमल देव कैसा अनुभव हो रहा है इस ऑस्ट्रेलियन मैदान में आके आपको? जैसे हम इस लोकेशन पे पहुंचे, दिल खुश हो गया। और बहुत बड़ा लॉन है ये और काफ़ी अच्छी जगह है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो नीचे क्लियरिटी है बिल्कुल ओके, रेस्ट ऊपर का कोई ये नहीं है दिक्कत, सब कुछ नहीं कैंट क्लियर है और मौसम भी साफ है। आप लोग बिंदास हैं? बिल्कुल। ये हमारे सुरक्षा कर्मी बॉडीगार्ड और यहाँ गन साथ में अपने टेकू भाई वहाँ पर, उनसे भी चार लेने अभी बाकी रह गए। क्या कहते हैं आप? काफ़ी अच्छा राइड थी, इतना मतलब आज मतलब जिंदगी में नहीं आया। यादगार जो मैंने जगह देखी सारा ऑस्ट्रेलियन जो स्टेडियम तिलनामरी माता, जस्ट अमेजिंग, जस्ट सबसे सुपर है। आज का दिन रहा, आज हमने बहुत सारी मेहनत की, हमने जो है 12 किलो के हर एक मेम्बर्स का बैग भी थे वो भी कैरी किए। आज हमारा ये टोटल रन कोई पूरे दिन का ही लग, लगभग पूरे दिन ही हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजने वाले हैं। 12 घंटे का कंटिन्यू ये रन चला हमारा, बीच में हमने मस्ती भी की, तो आज का दिन सबसे बेहतर रहा। ऐसा नहीं कि पिछली रातें ही हमारी बेहतरी, जो पिछले कल की शाम है। सबसे पहले मैं सभी सदस्य का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने स्कूल में हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। और वैसे तो हमने टोटली मिला के 7-8 रन हैं और बहुत अच्छे रन, बहुत बेहतरीन रहे। पूरा ज्ञान हो गया है यहाँ पर आके सत्य का ज्ञान। और मुझे लगता है नेक्स्ट साल हम यहीं पर। बस भाई साहब काफ़ी बड़ा बैग इनके पास भी है, काफ़ी ज़्यादा कैरी कर रही है इन्होंने। और पूरा ट्रैक रहा, बहुत अच्छा ट्रैक रहा। जो भी हुआ हमने जैसे कैसे भी मैनेज कर लिया, जो जो भी प्रॉब्लम हमें आई, बट हमने उनको फेस करते हुए सब कुछ अचीव कर लिया। जैसे हमारी डेस्टिनेशन पहले ये रखी गई, जैसे पहले रघुपुर में, और वहाँ से ट्रेन की आवाज आ रही है। ये गुड न्यूज़ है, गाड़ी पहुंच गई। तो इस तरह से आज फिलहाल अभी ये हमारा जो पैदल ट्रैक यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ से जाएंगे हम गाड़ी में होगा बियर, चिकन, मीट, म्यूजिक, एवरीथिंग। जा रहा भाई बिट्टू, आखिर क्रम में जहर पहुंच गया डेस्टिनेशन। और ये हमारा लगेज बड़ा हुआ है, बहुत सारा लगेज यहाँ पर देखिए, बड़ा ठीक है, पूरा हो गया ट्रैक। चलो उठाओ, टूट भी गए बड़े बड़े बैग।